आसमान कहाँ है? आसमान कहाँ है? आसमान, मैं अपने हाथों से तुम्हारा दिल निकाल कर चबा जाऊंगा। कबीले में मुमकिना तसादुम को रोकने के लिए आप सब सरहदी गांव में जिला वतन होंगे। होश में तो हो तुम गुंदूस, ये सब क्या कह रहे हो? ये एक सरदार का हुक्म है जो अपने कबीले के मुस्तकबिल को हर चीज से बालातर समझता है। ताईजान, आप मुखालफत ना करें। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता गंदूस साहब। जो आप सोच रहे हैं वो आप भूल जाएं। जो कोई भी सरदार की हुक्म उधूली करेगा और कबीले में मसाइल पैदा करेगा तो मैं उसे बिना किसी रहम और ताबुन के जिला वतन कर दूंगा यहां से। यही मेरा फैसला है। मसाइल पैदा करने वाले आप हैं गुंदूस साहब। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ओहदे को हासिल करने के लिए आप इतने गिर जाएंगे। उस्मान रिहा हो, लगता है आप ऐसा नहीं चाहते। क्यों, मैंने सही कहा ना गुंदूस साहब? मुझे तो आप बहुत खौफ ज्यादा लगते हैं। उस्मान के खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा तो नहीं चल रहा आपके दिमाग में? मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अपने कबीले को मुंतशिर नहीं होने दे सकता बाला खातून। आप लोग मुझे समझना नहीं चाहते और ये जानता हूं मैं। सबकी भलाई इसी में है कि जब तक इत्तेहाद कायम ना हो जाए आप लोग यहां ना रहें। इतना धोखा तो उस्मान को उसके चचा ने भी नहीं दिया था। तुम अपने आप को इतना नीचा कैसे कर सकते हो? मान लो कि तुम एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हो, और तुम्हारा दिल, क्या तुम्हारा दिल भी उस मकरूह आदमी की मुट्ठी में है? आखिर ये कैसा जुल्म है? आप हद से आगे बढ़ रही हैं। हद से बढ़ रही हूं? मैं हद से बढ़ रही हूं? शुक्र करो तुम्हारे सामने तुम्हारी मां नहीं है। अगर मेरी जगह वो होती यहां तो तुम्हारे मुंह पे थूक देती। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह और अर्तुरुल गाजी का खून तुम्हारी रगों में है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। आखिर मैं बात किससे कर रही? ये जो चेहरा मेरे सामने है वो मेरे कुंदूस का हो ही नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे पे ना ही अब रहम है और ना ही नूर। मेरी एक बात सुन लो तुम, तुम्हारा चेहरा भी मकरूह हो चुका है। जानना चाहोगे? तुम्हारा चेहरा भी उस वजीर के मकरूह चेहरे की तरह दिखता है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अब अंदाजा हो रहा है मुझे कि आपकी जिलावतनी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया है मैंने। बहुत हो गया। आप लोग कल ही इस कबीले को छोड़कर जाएंगे, और जब तक इत्तेहाद को तस्लीम नहीं करती वहीं रहना होगा आपको। मैं ठीक हूं। वजीर और निकोला ने मुझसे मेरा कला छीन लिया। अरमान काया के कले की दीवारों पर निकोला के झंडा लहरा रहा है। यानी अरमान काया निकोला के हवाले कर दिया गया है? यही कह रहा हूं।
वजीर ने उन लोगों से जो भी वादा किया है, तकफूरों को वाकई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे फिक्र नहीं है किसी और की, उसकी नियत वाजे है, वो तुर्कमान कबाइल को अपने ताबे करना चाहता है। वजीर आलम शाह, तो वो इजलास से पहले अरमान काया हवाले कर देगा कुंदूज भाई के, और वो इसके साथ ही कुंदूज भाई को वहां का सरदार भी बनाएगा। काइयों की ताकत चूंकि उसके लिए ज्यादा हम है। ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? आखिर खेलों को तरतीब देने में बहुत माहिर है कोसेस, और मुझे उनको तोड़ने में बहुत महारत हासिल है। अब किसी एक काबिले एतमाद सिपाही को रवाना कीजिए, निकोला को इस खेल को लेकर एतमाद में लीजिए। कैसे उस्मान साहब, क्या हम निकोला के फायदे के लिए काम करने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। अब भाई को भी रोकना है जो वजीर की थपकियों से रिवायात को सिरे से भुलाकर काइयों का सरदार बनने की कोशिश में है, वो भी इसका हिसाब देगा। समझ गया मैं। केरोस, फौरन निकोला के पास जाओ और उसे वो सब उसी तरह बताओ जैसे उस्मान साहब ने कहा। जल्दी जाओ। दुर्गुत साहब। जी कहें उस्मान साहब। कुछ सिपाहियों के जिम्मे ये काम लगा दीजिए कि हमारे भाई गुप्तो और दीगर शोहदा के तकफीन तदफीन का अच्छे तरीके से इंतजाम किया जाए। हम सरहद की तरफ जाने वाले रास्ते से जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। सरहदों से नहीं, अंदरूनी रास्तों से जाएंगे। कुतान, पांच सिपाही भेजो जहां हमारे भाई शहीद हुए थे। जैसे आपका हुक्म। ये सब क्या है उस्मान साहब? क्या हमने अपनी जान बिला वजह खतरे में डाली? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कोनियत जाने का अगर सोच रहे हैं तो वहां आपकी हिफाजत कौन करेगा? सुल्तान मसूद रियासत सुलजूक का सुल्तान है और मैं उसका सरहदी सरदार हूं। मेरा कोनिया जाना बहुत आम है। यह सही नहीं होगा उस्मान साहब, अगर आप वापस ना आए तो क्या होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो जो चाहें करके देख लें। बिलचिक में मौका आजमा कर देख लिया उन्होंने, क्या कर लिया के हाथू और आलम शाह को काम करना चाहिए मिलजुल कर। मैं यहां से कुनिया सुल्तान के पास जाऊं वो ये हरगिज नहीं चाहते, और इसीलिए अब मेरी जिद है कि सुल्तान की तरफ जाऊंगा मैं और उन्हें हर चीज से आगाह भी करूंगा। वो जरूर सुनेंगे और मेरा साथ भी देंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी आ रहा हूं। एक शख्स है जो मुझे महल में दाखिल करवा सकता है। जब आपने मुझे मेरे बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ा, पीछे मैं भी नहीं हटूंगा। मैं आपके साथ आखिर तक रहूंगा उस्मान साहब। तो क्या आप ले जाना चाहते हैं मुझे? अरे माशाल्लाह, आ जाइए, घोड़ों पे सवार हो जाइए। सिपाहियों जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। जनाब, तुर्कों ने रास्ता बदल लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब वो कुनिया की तरफ जा रहे हैं। हाँ।
उस्मान, तुम अपनी सफाई देने के लिए कोनिया जा रहे हो सुल्तान के पास। अगर आप हुक्म दे तो मैं उसे पकड़कर उसका सर काट दूंगा। इसकी जरूरत नहीं, जाने दो उसे सुल्तान के पास। उस्मान, तुम्हें बिल्कुल भी खबर नहीं कि तुम अपनी मौत से गले मिलने जा रहे हो। अवाम में बगावत करवाने का सबसे अच्छा मौका ही है। आप ठीक कह रही हैं बाला खातून, बहुत सारे सरदारान हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ जरूर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस्मान साहब के वफादार सिपाही भी हमारे साथ हैं, लेकिन अगर बात उससे भी ना बनी तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि तलवारें हमारे पास भी हैं। ये बगावत का वक्त है, अपना वादा पूरा करके रहेंगे और अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी जान देकर भी हम उस्मान साहब की सरदारी की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाय माशाल्लाह, उस्मान साहब का मनसब महफूज हाथों में नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था वजीर आलम शाह, बिल्कुल सही। खवातीन ने तस्लीम नहीं किया, वो कबीले में मसाइल पैदा कर रही है। जानते हैं ये सब किसके हुक्म पर हो रहा है? मेरे भाई उस्मान के, उसका हुक्म है कि मुझे इस मनसब पर ना बैठने दिया जाए। अब तो यकीन आ गया गुंदू साहब, आपका भाई उस्मान कोनिया से आपके कबीले को तकलीफ पहुंचा रहा है, वो मसाइल पैदा कर रहा है। इस तरह सरदार नहीं बना जाता। सबसे पहले आपको अपने लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। आप एक अच्छे सरदार बनेंगे कुंदू साहब, यकीनन आप अपने लोगों को सबसे बढ़कर रखेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें जिला वतन कर दीजिए। मैंने ऐसा ही किया है। यहां आने से पहले मैंने उन्हें जिलावतनी से आगाह कर दिया। बहुत अच्छा किया, यही आपके कबीले के लिए दुरुस्त है। उनके लिए अब आप गमगीन ना हो। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खवातीन इतनी आसानी से जिलावतनी का फैसला कबूल करेंगी। उम्मीद करता हूं कि मुझे सख्त इकदाम उठाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए फिक्रमंद नहीं हो आप, अगर अमन अमान खराब हुआ तो उसे रोकने में मैं आपके साथ हूं। खवातीन कल चली जाएंगी, आप अपने दिमाग को इत्मीनान दीजिए। तुम तो उस्मान साहब के साथ खड़े होते थे ना, अब तुम गुंदूज साहब के सिपाही हो। यह उस्मान साहब का ही हुक्म है, जो भी काई कबीले का सरदार बनेगा मुझे उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए तुम अपने सरदार के खिलाफ खड़े हो? ऐसा नहीं कहें, मैं उन्हीं का सिपाही हूं। जब मेरे सरदार वापस आएंगे ना तो देखना, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। उन्हीं का तो इंतजार है। क्या उस्मान साहब की जरूरत है हमें? कबीले की भलाई के लिए गुंदू साहब है ना, तुम क्या कहते हो इस बारे में? संभालो जबान को, कुछ बुरा हो सकता है वरना।
बात सुनो, मेरे सरदार जैसा कोई नहीं है। साजिश करते हो तुम लोग, खत्म करना चाहते हो हमें, दोस्त बनकर हमें जहर देते हो। जानते हो मैं सांपों को पहचान लेता हूं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हर आदमी गलतियां करता है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो बारान, मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहता हूं। तुम्हें गलती का पता तो है ना? जानता हूं। अब मुझे बताओ जरा, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें कहां ढूंढूं? अभी तो मैं खुद अपनी तलाश में गुम हूं, जब मिल जाऊंगा तो ढूंढना। जवाहिर मेरे लिए भाई की तरह है उस्मान साहब। शुक्रिया मेरे भाई, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। बहुत शुक्रिया। जवाहिर महल में एक सिपाही है, यह उस दस्ते की निगरानी करेगा जो कल महल की हिफाजत करेगी। जब आप सुल्तान के पास पहुंचेंगे तो मैं आपको महल के अंदर ही मिलूंगा। महल के अंदर और बाहर जाना मेरे लिए बहुत आसान है, और अगर कुछ बुरा होता है तो बचने के लिए मेरे पास एक खुफिया रास्ता है जहां से हम आसानी निकल जाएंगे। यह है वहां से निकलने का नक्शा। इंशाल्लाह भाई, मैं इसका बदला नहीं लौटा सकता। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उस्मान साहब की बहादुरी के बारे में सुना है। मैं आपके लिए और उस्मान साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मेरे भाई। शुक्रिया। ये कपड़े आपके लिए हैं उस्मान साहब, आप बहुत सी लड़ाइयों से गुजर चुके हैं, मैंने सोचा आपको इसकी जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। मुझे यहां इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जबकि मैं जानता हूं कि आपकी जान को वहां खतरा हो सकता है। मैं साथ चलना चाहूंगा। हम नहीं जानते कि वहां सूरत हाल कैसी होगी कोशिश, अगर कुछ गलत होता है तो उस वक्त आप और सिपाही कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन आप सिपाहियों के साथ उस दौरान महल के आसपास ही कहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मंसूबा कामयाब हो, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। शुक्रिया कोसिस, शुक्रिया। यह सब होना जरूरी है, फितने के अंधेरे छटते ही हकीकत खुलकर आश्कार हो जाएगी। बहुत जरूरी है सुल्तान मसूद से मिलना। हम नए सिपाहियों को काई ले जाएंगे कोनूर, तैयार हो जाओ। तो क्या हम लोगों पे जुल्म करने वाले हैं? जरूरत पड़ी तो यह भी करेंगे कोनूर, लेकिन उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम इसीलिए जा रहे हैं कि खून ना बहे, हमें अपने सिपाहियों को वहां पहुंचाना है ताकि उन्हें पीछे हटना पड़े। हाँ, अगर वो पीछे ना हटे तो समझ लें कि उन फसादियों का कत्ल हमारे लिए हलाल होगा। एक कबीले को बचाने के लिए चंद बागी खवातीन मारी जा सकती हैं, हम वो करेंगे जो हमें करना है। सिपाहियों को तैयार करो। जैसे आप कहें जनाब। क्या तू अब तक तो उस्मान को मार चुका होगा? मैं अपने मातहत काही कबीले के साथ उससे मिलने जाऊंगा। अब से हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। यह आदमी आखिर गया कहां? आखिर कौन सी जानलों में जाकर छुपा है कोशिश? कहां है? शायद रुगत उसने
कोसिस को किसी महफूज जगह पे तो नहीं भेज दिया? वो कहीं भी हो सकता है जूलिया, इस दुनिया में कहीं भी। लेकिन एक बात है जिसका मुझे यकीन है कि कोसिस अपना कला हरमान काया फौरन वापस लेना चाहेगा, क्योंकि इनागोल के साथ साथ हरमान काया कले का मेरे पास होना मुझे दूसरे तेगफूरों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाता है और मेरे दुश्मन इससे वाकिफ हैं। जूलिया, अपने बेहतरीन सिपाहियों को जमा करो और हरमान काया की हिफाजत के लिए तैनात कर दो। वो सब कुछ देखने के काबिल होने चाहिए लेकिन उन्हें कोई भी ना देख पाए, और तुम भी उन्हीं के साथ रहो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें निकोला, हरमान काया कला हमारे खास सिपाहियों ही की निगरानी में रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं किसी को भी मेरा ओहदा मुझसे छीनने की इजाजत नहीं दे सकता, चाहे मेरा दुश्मन कोई भी क्यों ना हो। मैं उन सब को बर्बाद कर दूंगा, उन सब को। आर्गोस। जनाब, यह हरमान काया काले के कमांडरों में से एक हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तैगफूर निकोला, वजीर आलम शाह आपके साथ खेल खेल रहा है। वो आपसे कला लेकर कुंदूस को देगा। अच्छा, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? हाँ, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे हराने के लिए कोशिश के लिए काम नहीं कर रहे? क्या ये सच है? कोसिस हरमान काया में नहीं है अब, और मैं उस कले में तुर्कों का परचम नहीं देखना चाहता। तो ये बात है वाकई में? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इजाजत चाहूंगा। निकल जाओ सब के सब। वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह। जो मैंने सुना अगर वो सच है तो आपको मुझसे डरना चाहिए, डरना चाहिए मुझसे। हरमान काया मुझसे कोई नहीं ले सकेगा, कोई भी नहीं। इलचस्ती चाउश, उस्मान का सर कहाँ है? उस्मान का सर बहुत जल्द ऐसे ही पड़ा होगा। इसका क्या मतलब है बोलो? हमारे बीच सौदा हुआ था, भूल गए हो? तुर्कुत नामी एक तुर्क ने और एक तैगफूर जिसे कोसिस कहते हैं, उन्होंने उस्मान को मेरे घोड़ों से बचाया। क्या उन्हें जानते हो आलम शाह? कोसिस, बेवकूफ निकोला, अब क्या होगा? मौत उस्मान को ढूंढ लेगी वो जहां भी जाए। उस्मान अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। कोनिया में मौत उसका इंतजार कर रही है। तुम यहां? सुल्तान का मौविन सलमान,
यहां तुम क्या कर रहे हो सलमान? मुझे आपने हमेशा से ही सुल्तान के माउन के तौर पर देखा होगा, लेकिन मैं वही करता हूं जो गिहातू मुझे हुक्म देते हैं। मैं गिहातू का नौकर हूं वजीर आलम शाह। इनकी बातें मेरे लिए हर चीज से बालातर हैं। उस्मान का खंजर है, मुझे यकीन है इसने बहुत खून बहाया है। अब यह खंजर सुल्तान का भी खून बहाएगा। बहुत हो गया गुंदूस, मैं ये सब अब मजीद नहीं संभाल सकती। गुंदूस, आपको क्या हुआ है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। सलजान खातून जिन्हें आप अपनी माँ समझते हैं और आपकी बहनें, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं उन्हें? हाँ, कबीले की खातिर ऐसा करना जरूरी था आयशा। उन्हें जाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ रहेंगी तो कबीले के अंदर इंतशार फैलेगा। ये सब कबीले की खातिर तो नहीं है, मुझे तो अब आप पे शक हो रहा है। कबीले की सलामती का दिखावा करके ये सब कुछ आप अपनी खातिर कर रहे हैं। अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ गुंदूस। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है खातून? तुमने कब देखा कि मैंने अपने लिए कभी ऐसा कुछ किया? कबीले की भलाई के अलावा मैंने कभी? जब से आपने क्यादत संभाली आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं गुंदूस। आप अपने भाई के पीछे जाने के बजाय वजीर की बातों पर अमल कर रहे हैं। उसके कहने में आके अपनी माँ और उस्मान साहब की खवातीन को कबीले से निकाल दिया। आप कबीले में मजीद मसाइल पैदा कर रहे हैं, क्या दिख नहीं रहा? आयशा, तुम मेरी खातून हो, तुम मेरे खिलाफ आखिर किस तरह खड़ी हो सकती हो? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और सरदार के हुक्म पर सवाल उठाना तुम्हारी हद से बाहर है। हद? मेरी हुदूद तब तक कायम है जब तक मैं हक पर चलती हूँ। अगर मैं अभी आपके सामने खड़ी नहीं होती तो फिर बाद में पछताती। गुंदूस, अभी भी वक्त है। देखें, कल जब आपके भाई उस्मान साहब आएंगे तो उनका सामना कैसे करेंगे? सोचें जरा इस बारे में। ऐ तमाम जहानों के मालिक मेरे अल्लाह, तू ही है जो हर शय जानता है, हर शय पे कादिर है। तू इंसाफ करने वाला है। अपने रसूल पैगंबर आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर, बाकी अंबिया की खातिर, औलियाए कराम की मोहब्बत के लिए, अपने दीन की खातिर खून का नजराना पेश करने वाले शहीदों के लिए, दीन इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने वालों की मोहब्बत के लिए और हमारे भाई गोक्तूक के लिए और जुमला शहदा की शहादत का इंतकाम लेने के लिए जज्बा और हिम्मत अदा कर या अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, या रब्बी, तू ही तो हाकिम है, इंसाफ करने वाला तू ही है। तू ही तो है जो
बातिल और हक में फर्क करने वाला है। या रब्बे, जालिमों और काफिरों को शिकस्त से दोचार कर मेरे अल्लाह। हर मुश्किल से और हर तरह की मुसीबत से तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है। इन जालिमों से महफूज तू ही रख सकता है मेरे अल्लाह। या रब्बे, तेरी राह में खड़े होने के लिए तौफीक अता फरमा साबित कदम रहने की, ऐ अजीमुशान मेरे रब। आमीन। सब सिपाही तैयार हैं, हम निकल सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। टैगफोर्ड निकोला पहुंच चुका है हुजूर। वजीर आलम शाह, मुझे कुछ अर्ज करना है। क्या जो कहना चाहते हो वो कोसिस के बारे में है? कोसिस जंदान में इंतजार कर रहा है कि कब उस पर मुकदमा चले। खैर, वो माजी की बात है, मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। अच्छा है, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं जो बताने वाला हूं वो ना सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी मालामाल करेगा अगर आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये सोने के बारे में है। मैं बाजार का एक हिस्सा हरमान काया मुंतकिल करूंगा और महसूल भी कम कर दूंगा। इस तरह हमारा खजाना मजीद बढ़ेगा। हाँ। अरमान काया अब तुम्हारे जेर तसल्लुत है, जहां दिल करे बाजार कायम कर सकते हो, जो चाहो बेच सकते हो, जगह तुम्हारी है। जो मैं चाहता हूं मुझे वो करना पसंद है। मुझे खुशी है कि आप इसमें मेरे साथ हैं। आप जैसे अच्छे तैकफूर की हुक्मरानी में कले को शान मिलेगी और कले की इज्जत और बढ़ जाएगी। निकोला, ये कोसिस के हाथों में वीरान था। कला और कोसिस दोनों को वही मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, ठीक है ना? जब किसी का अरूज आता है तो किसी का जवाल भी आता है, और यही फितरत का उसूल है। इजाजत चाहता हूं। अलविदा निकोला। फिर मिलेंगे। कोसिस तो कुस्तुनतुनिया पहुंचा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आप इसे सजा क्यों नहीं दे रहे? हर चीज का एक वक्त होता है कोनूर, और जब वक्त आएगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। जब मैं कला लेकर गुंदू साहब को दूंगा, उसके बाद दी जाएगी उसे सजा। तब निकोला अपने आपे से बाहर हो जाएगा। कला उसे दे दिया है, मैं उससे वापस भी ले सकता हूं। अभी उसके यकीन को बरकरार रहना चाहिए। इस वक्त अहम यह है कि गुंदू साहब को मजबूत करना है, जिसका फायदा मुझे होगा। वजीर के पास जिस किस्म का मंसूबा है? क्या वजीर वाकई तुर्कों को हरमान काया दे देगा जनाब? जो मेरा है मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगा। हरमान काया मेरा है, और अगर वजीर गलती करता है उसे गुंदोज साहब को देने की, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आर्गोस, हरमान काया में सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दो, लेकिन वजीर को इस बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वो भी एक तुर्क है। कभी भी किसी तुर्क पर भरोसा ना करो आर्गोस, कभी भी नहीं, खासकर ऐसे मामले में। हरमान काया निकोला से कोई नहीं छीन सकता। खूबसूरत आंखों वाले मेरे औरहान, तुम्हें देखकर मुझे कुव्वत मिलती है।
हमारी तरफ से सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, चलें। जब तक उस्मान नहीं आ जाते उनकी जगह पर कोई नहीं बैठ सकता। तो जल्दी चलो फिर, हम गुंदू साहब को उस्मान साहब की जगह से हटाएंगे। वो गलती पर है और इस वक्त गुस्से से भरा हुआ है। इस तरह तो खून रेजी होगी बहुत ज्यादा। चलो उससे आखिरी बार बात कर लेते हैं। हाँ, गुंदू साहब के कान अब शायद हकीकत सुनना ही नहीं चाहते हैं। इस बात का तो आपको भी पता है कि जब कोई हकीकत जानते हुए उससे इनकार करे तो उसको समझाना बेकार है। अम्मा, हम किसी का खून नहीं बहाएंगे। गुंदू साहब को हमारी बात माननी चाहिए, उन्हें पीछे हटना होगा। अगर वो जिद पे कायम रहा तो क्या होगा? अगर उसने मुजाहमत की तो फिर बहुत खून बहेगा यहाँ। वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह वो मेरी बात को समझेंगे और सुकून से चले जाएंगे। या अल्लाह, मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा दे और मुझे वो काम करने से बचा ले जो मेरे लिए बेहतर नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, आपके कहने पर मैं खवातीन के खैमों में गया, लेकिन वो सब के सब मलहून खातून के खैमे में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेंगी। ये ठीक नहीं हो रहा। अगर वो लोग खुद से नहीं गए तो सिपाहियों को जमा करो, मुझे बात करनी है। गुंदू साहब, आप हमें कबीले से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो हमारा सामना करें। खवातीन, आप लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। यहां से गई क्यों नहीं अब तक? ये सरदार का हुक्म है, क्या मुखालफत करेंगी? हम यहाँ पर उस्मान साहब के अहकामात की वजह से ही हैं गुंदू साहब। उस्मान साहब के होते हुए इस ओहदे पर आप नहीं बैठ सकते गुंदू साहब। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं इससे एक जंग शुरू हो जाएगी। बेहतर है आप लोगों को ना उलझाएं, इसमें कबीले का नुकसान होगा। आप लोग सुकून से चले जाएं मलहून खातून। हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में निकालने की हिम्मत है तो निकाल कर दिखाएं। बाला खातून, मेरी बात को समझे, चली जाए यहाँ से, वरना सबका नुकसान होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते गुंदू साहब। काई कबीले के सरदार उस्मान साहब हैं, उन्हीं का हुक्म है ये। दाईशान, क्योंकि आप सब मानने से इनकार कर रहे हैं, अब मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मैं मलहून हूं, उस्मान साहब की खातून। अगर कोई काई सिपाही हमारे खिलाफ हथियार निकालना चाहता है, अभी सामने आ जाए। सिपाहियों, जिनके खिलाफ आपने हथियार निकाले हैं, क्या आप उन्हें जानते नहीं? क्या आप जानते नहीं
उस्मान साहब की खवातीन हैं दोनों। आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि उस्मान साहब के साथ खड़े होकर जंगे लड़ी हैं। जो कुछ ये हो रहा है एक वफादार नहीं कर सकता है। सिपाहियों, अगर ये दोनों उस्मान साहब की खातून हैं, तो अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदूज हूं मैं। ये काई सरदार का हुक्म है, हथियार निकालो। गुंदूज साहब, मलहून खातून, ये सब क्या है? अपने हथियार नीचे कर दीजिए। आ गया है कि सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं आपका महल के करीबी का इंतजार करूंगा उस्मान साहब, हर वक्त तैयार रहूंगा, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कोसिस, यह एहसान हमेशा याद रखूंगा मैं। इंसाफ का साथ दिया आपने, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद मेरा तो फर्ज बनता ही है ना ये सब करने का। शुक्रिया। हम आपसे पहले सिपाहियों के साथ वहां जाएंगे, जब आप आएंगे तो हम महल में होंगे। ठीक है दुर्गुप्त साहब, चलो सिपाहियों। दौरान कोशिश के साथ रहना, इन्हें अकेला मत छोड़ना, ठीक है? जैसे आपका हुक्म हुजूर। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। शुक्रिया हुजूर। गुंदूज साहब जो भी करते हैं वो अपने कबीले की बेहतरी के लिए करते हैं। आपको लगता है कि हमने गुंदूज साहब को सरदारी देकर कुछ गलत किया है? क्या गुंदूज साहब इस सरदारी के लायक नहीं? गुंदूज साहब क्या अर्तुरुल गाजी के बेटे नहीं हैं? बोले वजीर आलम शाह ने तो बिल्कुल ये वजीर कह तो सही है। साहब तो अर्तुरुल गाजी साहब अर्तुरुल साहब के बड़े बेटे सरदार बनने के लायक हैं, इनका हक है। आपकी खवातीन को सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपको हर किस्म की अफरत तफरी और नागहानी सूरत हाल से दूर रखा जाए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सरदार उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में उनके भाई को उनकी नशिस्त पर बिठा रहे हैं। जाकर औताक देखिए मलहून खातून, देखिए क्या वहां कोई सरदार है। आपके पुराने सरदार उस्मान को सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा।
आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप नहीं जानते वजीर आलम शाह। अपनी चालों से उस्मान को आपने आसानी से कोनिया भेज दिया, लेकिन आप फिक्र ना करें, हकीकत हमारे सरदार सामने लाएंगे। उनके कबीले आने की देर है। आप गलत बात कर रही हैं बाला खातून। मैंने कोई चाले नहीं चली, मैं यहां हुक्म को बरकरार रखने आया हूं। मेरे यहां आने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। हां, लेकिन आप लोग अगर मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाकर मसाइल पैदा करना चाहती हैं, तो फिर मुझे अपने काम के लिए वो तरीका अपनाना होगा जिससे मुझे मुश्किल ना हो। इस तरह धमकी देने की कोशिश भी ना करिएगा। गुंडोज साहब, अपने चचा का अंजाम भूल गए हैं क्या? ऐसा मत करें, रोक दें ये सब। अब से ख्वातीन कोई परेशानी पैदा किए बगैर हमारे रास्ते से हट जाएंगे। हम हरगिज नहीं हटेंगे। चले आए, हटा कर देख ले हमें। जो चाहो करो, हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? सुल्तान मसूद से मिलने आया हूं। यहां मुशीर को जाके इत्तला दो। अपनी तलवारें नीचे कर लो। गाय का सिपाही अपनी तलवार अपने लोगों पे नहीं निकालता है। हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपने ही भाइयों का खून नहीं बहाएंगे। समझ आ गई? जब मैं यहां आई थी, उस वक्त मैं जिस गुंडूस को जानती थी, वो गुंडूस कभी ऐसे कामों को नहीं होने देता। मेरा ये ख्याल था कि जब वक्त पड़ेगा तो मेरा गुंडूस वही करेगा जो उसको करना चाहिए। लेकिन या तो मैं गुंडूस को अच्छी तरह से नहीं जान सकी, या जिस गुंडूस को मैं जानती थी उसकी शख्सियत ही बदल चुकी है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत हो। हम अपने भाइयों का खून नहीं बहाएंगे, और इसी वजह से हम अपनी मर्जी से अपना कबीला छोड़ रहे हैं ताकि हमारी वजह से खून रेजी ना हो।
लेकिन ये बात याद रखना, जब वक्त आएगा, जब काई कबीले का सरदार उस्मान अपने कबीले वापस आएगा, फिर आप लोगों ने आज तक जो भी किया है उसकी कीमत अदा करनी होगी। सलजान अम्मा, अभी वक्त नहीं है मेरी बेटी। अगर हमने अपनी तलवारें निकाल ली तो आज तक जितना कुछ बनाया है सब खत्म हो जाएगा। चलो मेरी बच्ची। आपने बिल्कुल सही किया ताईशा, आपका शुक्रिया। अपने किए पे गौर करना कि तुमने अपने साथ और अपने पीले के साथ क्या किया है। मैं नहीं जानती कि तुमने इस आदमी की बातों पे कैसे एतबार किया है, लेकिन मैं ये बात जानती हूं तुम अपने भाई के दुश्मन तो बन गए हो, कम अज कम कबीले के ना बनो। वालिदा, आप मुझे माफ कर दें, मुझे आपको इस तरह जाते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जानती हूं मेरी बेटी, तुम कुछ नहीं कर सकती हो ये बात मैं जानती हूं। दुआ करूंगी मैं, अपना ख्याल रखना, खास करके अपने कबीले का। चलो सब, मलहून खातून, काई कबीले के वारिस ओरहान को कहां लेके जा रही हैं? ओरहान की जगह काई कबीला है। नहीं बताया कि ये कौन है और सुल्तान से क्यों मिलना चाहता है। सुल्तान मसूद से मिलने आया हूं यहां। तुम कौन हो और आखिर सुल्तान से क्यों मिलना चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा है कौन हो तुम। सरहदों का अजीम सरदार, रोम और कोनिया की हुदूद का सरदार, तुर्कमानों का रहनुमा, रियासत सलजूक की हदूद का सरदार, अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। अब तो जान चुके हो मैं कौन हूं। मेरे खिलाफ फरमान जारी किया गया है, सुल्तान के सामने पेश होने आया हूं।
मैं इसे गद्दारों के पास कभी नहीं छोड़ूंगी और हान मेरे साथ ही जाएगा। अब सरदार की बेटी हैं मलहून खातून, आपको सब मालूम है औरहान की जगह काई कबीला है। एक और कदम आगे ना बढ़ाना। औरहान उस्मान की अमानत है और यहाँ से जा रहे हैं हम किसी के हवाले नहीं करेंगे इसे। औरहान हमारे साथ ही जाएगा। ये तो जुल्म हो रहा है। गुंदूस कुछ करें, एक माँ को उसके बेटे से जुदा नहीं करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुंदूस तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक बेटे को माँ से जुदा करने की? तुम होते कौन हो यहाँ पे ऐसा फैसला सुनाने वाले? हाँ सलजान खातून, आप सब जानती हैं हमें मजबूर मत करें। क्या मैं काई कबीले के साथ गलत कर रहा हूँ? बताएं मुझे। औरहान उस्मान सरदार का खून है, बताएं। क्या औरहान के लिए सबसे महफूज जगह काई कबीला नहीं? खवातीन, औरहान को यहीं छोड़कर खामोशी से यहां से चली जाएं। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। हम औरहान के लिए यहाँ खून बहा देंगे, बेहतर है कि हमारे रास्ते से हट जाएं। सुलेमान साहब ने हमारे सुल्तान को बता दिया था कि आप उनसे मिलने यहाँ आएंगे, आप फिक्र ना करें। मुझे फिक्र है भी नहीं, मैं मुंतजर हूं। मेरे सुल्तान, काई सरदार उस्मान साहब ने हथियार डाल दिए हैं। अगर सच में उसने हथियार डाल दिए हैं तो उसे मेरे सामने ले आओ। लेकिन हुजूर, उस्मान साहब अकेले आए हैं। वजीर आलम शाह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। औरहान को उसकी मां से दूर ना करें, वो बहुत छोटा है। औरहान को यहीं रहना होगा, काई कबीले का कानून यही कहता है। आयशा औरहान को ले लो। करीब नहीं आइएगा आयशा खातून, हरगिज नहीं। वालिदा, खुदा रा और हाल को मत छीने मुझसे। सबर मेरी बच्ची, सबर करना बेहतर है, इसकी फिक्र मत करो। आयशा खातून इसका बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। जाने दो बेटी। वालदा, औरहान बहुत छोटा है। नहीं, बेटा। इसे इस उम्र से बहादुर होना पड़ेगा, वो अपने बाप की तरह हिम्मत वाला है। चलो बलून बेटी, चलो मेरी बच्ची। आयशा,
मेरा खून नहीं बहना चाहिए, उस्मान भी यही चाहेगा। यहाँ एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करने के दर पे है। जब उस्मान वापस आएंगे तो आप सबसे आपके किए का हिसाब लेंगे। भरोसा रखो मुझ पर मलून, मैं औरहान का बहुत ख्याल रखूंगी। मलहून मेरी बच्ची, इंसाफ का दिन आएगा गुंदू साहब, और उस दिन के आने तक अपनी मनमानी करें, और जब वो दिन आएगा तो मैं आपके सामने खड़ी होंगी। पूरा काय कबीला एक माँ की गवाही देगा, मुझे कबीले से निकाल दिया, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, इसका हिसाब देना होगा, देना होगा इसका हिसाब। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अंधी आंखें जल्द खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे, और तुम्हें हर चीज का अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये मेरे तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज हैं। फरमान,
जूलिया को तलाश करो, इससे पहले कि ये तीनों खवातीन मेरे लिए मुसीबत बने। मार दो उन्हें। काई कबीले को अबदी सुकून मिलेगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। तुर्कों पर आखिर कब तक जुल्म होता रहेगा? रियासत के दिल पर जुल्म की इंतहा है। अभी के लिए वो झुकने को ही सही रास्ते के तौर पर देख रहे हैं। हक को यहां बातिल और शर को हक समझा जाता है। आपने खवातीन को निकाल कर दुरुस्त फैसला किया। ये कबीले के इत्तेहाद के लिए जरूरी था। आपने बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह एक सरदार को करना चाहिए। जो कुछ किया कबीले के लिए किया, मैंने वो ही किया जो जरूरी था। लेकिन वजीर आलम शाह और हान को उसकी मां से जुदा क्यों किया? मैं किसी बच्चे को उसकी मां से भी अलग करना नहीं चाहूंगा कुंदूज साहब, मगर तुर्कों की अलैदगी वाजे है। उरहान के लिए सबसे महफूज जगह उसका कबीला है। सही कहा, अलैदगी सही थी। उरहान मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। खुदा ना करे अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं उस्मान का सामना कैसे करता? तुम्हारे जैसा इदराक करने वाला सरदार अब फतह का मुस्तहिक है। तैयार हो जाए गुंदू साहब, हम अरमान का या कला फतह करने जा रहे हैं। सारी लूटमार काई की होगी। जिस सरजमीन पे उस्मान ने कई सिपाहियों को शहीद किया लेकिन फतह न कर सका, और अब बगैर हथियार के फतह आपकी होगी। क्या मतलब है? हरमान काया में काई का परचम लहराया जाएगा? ऐसा ही है गुंदू साहब। पुरमन फतुहात जहां खून ना बहाया जाए वो बेहतरीन होती हैं। हमने अरमान काया किला बगैर नुकसान के काई कबीले की हुक्मरानी में सौंपने का इरादा बहुत पहले से कर रखा है, मगर उस्मान बगावत की वजह से ये नहीं देख सका। अब आपको अरमान काया कला फतह करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। कबाइल और सऊद को इससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। हमारे तमाम लोग खुशहाल होंगे इंशाल्लाह। वजीर आलम शाह इंशाल्लाह। आपको भी फायदा होगा गुंदू साहब। अरमान काया को फतह करने के बाद आपके अलावा कोई और शख्स उसके करीब जाने का सोच भी नहीं सकता। जब आप अरमान काया की फतह के साथ सरदारों की उस मजलिस में जाएंगे तो वो आपके अलावा किसी और को उस कुर्सी पर बैठने देना अपने लिए जिल्लत महसूस करेंगे। सुल्तान,
जिसे मैंने अपने शानदार सरदारों में शामिल किया, वो उस्मान एक बागी के तौर पर आज मेरे सामने खड़ा है। हरगिज नहीं सुल्तान मोहतरम, मैं आपका हमेशा वफादार रहा हूं और अब अगर मुझे इजाजत हो तो आपको वजाहत देना चाहूंगा। जब से यह खत आया है मेरे पास, मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूं उसको, लेकिन इसमें मुझे कोई झूठ नजर नहीं आया। मुझे बताओ उस्मान, क्या वजाहत है? तुमने मेरे भरोसे को जो आग लगाई है उसे थोड़ा ठंडा करो, मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन पहले यह बताओ कि अलजस्दी मेरा सिपाही कहां है? तुम्हें यहां उसके साथ होना चाहिए था। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कीमत जरूर चुकाएंगे। क्या हम इसके मुस्तहिक थे सलजाना मां? हाँ। मलहून तुम परेशान ना हो, आयशा खातून और हान का ख्याल रखेंगी। इंशाल्लाह आप अपने बेटे से जल्द मिलेंगी मलहून खातून। इंशाल्लाह। अब बहेगा खून, बहुत ज्यादा बहेगा। यह आखिरी हद पार की उन्होंने, एक माँ को उसके बच्चे से जुदा कर दिया। इस गुनाह का कफारा कैसे अदा करेंगे? गलती हमारी है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, औरहान को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। बहुत हो गया आयगुल, औरहान को भाइयों के दरमियान खूनरेजी रोकने के लिए वहां छोड़ा है। औरहान अपने कबीले में है, दुश्मनों के हाथों में नहीं। और क्या तुम लोग वजीर की नीयत को बिल्कुल नहीं समझते? वो हमें बागी और खुद को दुरुस्त साबित करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अगर खूनरेजी होती तो लोगों की नजरों में हम मुजरिम होते। बस इसी वजह से तुमको अपनी औलाद से अलग किया गया। मुझे माफ कर दो बेटी, अगर उस वक्त तलवारें चल जाती तो हम एक गुमनाम रास्ते पर चल पड़ते। शर्मिंदा ना कीजिए, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। मां की मोहब्बत ही कुछ ऐसी है मलहून खातून, और अपने बच्चे से अलग होना एक और बात है। लेकिन आप एक मजबूत खातून हैं, आप वजीर की चालों में नहीं आई। तू मेरे सिपाही पर क्यों हमला करेगा उस्मान? यह तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। अगर इस सब के पीछे मैं होता तो यूं आपके पास चलकर कभी ना आता। सुल्तान, मैं आपके सामने अब हाजिर हो चुका हूं। गेहातू, हाँ, लेकिन क्यों? गेहातू का इस सब में कोई हाथ नहीं है, मैं हूं वजह इसकी। अलजज़दी कारिंदा मुझे और मेरे सिपाहियों को बचाते हुए वहां शहीद हो गया।
क्या तुम्हारी जान वाकई में इतनी अहम है उस्मान के हाथों आपको मारना चाहता था और अलजस्दी ने आपके लिए अपनी जान दे दी। हाथों मेरा इत्तेहादी है, वो मेरे पास आने वाले को क्यों मारने की कोशिश करेगा, वो भी एक कैदी को जिसे मेरे ही हुक्म से यहां लाया जा रहा है। सुल्तान, वो जिन्हें आप इत्तेहादी समझते हैं ऐसे बहुत से लोग होंगे और वो यहां सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे रास्तों को आसान करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं आपके पीछे नहीं हूं सुल्तान, बल्कि साथ हूं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं मगर उन लोगों को देखें जो आपके पीछे हैं। कुछ भी छुपाए बगैर मुझे हकीकत बताओ। साफ और सीधी बात पसंद है मुझे उस्मान। मेरी बच्ची रोको। क्या हुआ आपको? रोको अम्मा, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? अम्मा ये दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाला, आज का दिन हमारे लिए खुशी का बाइस बनेगा। इन सबको मार डालूंगी मैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सबसे पहले बाला को अपने हाथों से मारूंगी। ये बताओ तुम्हें कितने अरसे से दर्द हो रहा है? अब क्या करना चाहिए हमें, कुछ बताइए। खामोश रहो तुम, कब से दर्द हो रहा है तुम्हें बताओ मुझे। ये दर्द तुम्हें कल से हो रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि ये खत्म हो जाएगा लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो इसे लिटा दो। चलो शाबाश, जगह बनाओ। आराम से बाला, बाला लेट जा। आप जरा इनसे निपटे, मैं आपको साउथ के रास्ते पर मिलूंगा। समझ गई? सुनो सिपाहियों, तैयार हो जाओ। वजीर आलम शाह ने बिलेजिक में आपके हुक्म की नाफरमानी की और मुझे फांसी देना चाही। अलजस्दी कारिंदे ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि वह जानता था कि आपको सच बताने के लिए मैं यहां जरूर आऊंगा, इसीलिए उसने गेहातू को बुलाया। वहां जानते हो ना कि बहुत संगीन इल्जाम आते हैं उस्मान सरदार। उसने मेरे और गुंदूज भाई के बीच फूट डालने की कोशिश की, शेख अदबाली को भी जिंदान में डाला उसने। तकफूरों से हाथ मिलाकर वो सरहद के रहने वालों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि उसने हटाना चाहा मुझे मेरे तख्त से। सबूत के बगैर तो तुम्हारे अल्फाज बोतान के सिवा कुछ नहीं है। वजीर का तकर्रुर क्या सरहदों में किया है किसी ने? अपनी हद में रहो उस्मान, क्या तुम मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हो? मेरा ही हुक्म था वो। माफ कीजिएगा सुल्तान। हमेशा सरहदों को आलम शाह ने सरफहरिस्त रखा तरतीब देने की बात के लिए।
ताकि मंगोलों और रोमियो को शिकस्त देना आसान हो। वो हमेशा वहीं रहना चाहता था। इससे क्या साबित होता है? आपके अलावा हर कोई यह समझता है कि सरहदों पर मामला ठीक चल रहे हैं। तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए। बिल्कुल है। सुन लीजिए, सबूत वो है जो मेरी आंखों ने देखा, वो है जो मेरे दिल में है, और वो है जो मेरी जुबान बोलती है। सुल्तान, अब यह आप पर मुनहसिर है कि इस सब पर यकीन करें या फिर ना करें, मगर वो हर किसी को साथ लेकर ताकत जो इकट्ठी कर रहा है, उसे जब वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो आपको यकीन आएगा। खैर, मैं आपका हुक्म हमेशा मानूंगा, जो आप चाहें सुल्तान। तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ अम्मा, सफर के लिए तैयार हूँ मैं। वो तेजी से हरकत कर रहा है, बहुत शरारती होगा, देखना तुम। चलो गांव चलते हैं, बच्चे की पैदाइश जल्द हो जाएगी। आप सही कह रही हैं। सिपाहियों, घोड़ों के पास जाओ। चलो आराम से बच्ची। बाला रुक जाओ। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। बाला बाला, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मार दूंगी, तो देखो मैं आ गई। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को यही मार डालूंगी। चली जाओ यहां से। हुसैन, हमला करो। जहरा, बाला का ख्याल रखो, बाला की हिफाजत करो। जूलिया, अल्लाह रहम फरमा, जालिमों के शर से महफूज रखा मैं। सिपाहियों, बाला के पास जाओ। काफी अरसे से जानता हूं, आपके इरादे नेक हैं, जानता हूं मैं,
लेकिन मैं परेशान हूं उस्मान, और मैं हैरान होता हूं ये देखकर, इतनी बहादुरी के बावजूद इंसान कभी कभी अंधा हो जाता है। और जहां तक रही आलम शाह के खत की बात, तो उसके लिए कुछ इकदामात मैंने सोचे हैं जिसके लिए जरूर। गद्दार, हाथू के हुक्म से मैं तुम्हें इरलिक खान के पास भेज दूंगा उस्मान। सुल्तान, 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 नहीं, सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इस बुराई से इज्जत के साथ निकलना नसीब फरमा मेरे अल्लाह। तो ये तुम लोगों का किया धरा है। आओ जरा आगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा तुम में से। आपको कुछ नहीं होगा अम्मा, अम्मा, अम्मा हिम्मत से काम ले। बाला, तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों लिखा है। आओ, आ जाओ। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है बाला। ये कहां से आ गए? अम्मा हौसला करें, हिम्मत से काम लें। अम्मा नहीं, अम्मा, अम्मा आप ऐसे नहीं जा सकती। अ
हंस तो ऐसे रहे हो जैसे गीदड़ शेर को देखकर हंसता है। आ जाओ, आओ सर आगे। मैं आ गया हूँ उस्मान साहब, हुजूर मैं आ गया हूँ। आ जाओ शेरो। जानता हूँ बाहर कहाँ से निकलते हैं। आ जाओ इस मकाम से बाहर निकलते हैं। आ जाओ चले। इस तरफ लाओ दो, ये लो जलाओ इसे जल्दी। मेरे जंगजुगो, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा 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 नहीं नहीं अम्मा मलहोन। बाला सिपाही हम पीछे हट रहे हैं। कौन हो तुम, अपने चेहरे तो दिखाओ। जाहिर है कि आप हक के साथ हैं। अम्मा वालिदा, अम्मा अम्मा उठे हमसे बात करें। अम्मा उठे, उठे अम्मा। जिंदा है ये, जिंदा है ये। चलो जल्दी करो, हमें इन्हें लेकर जाना होगा। जल्दी से उठाओ, लेके चलते हैं। उठाओ अम्मा, अकेला मत छोड़ के जाइएगा। वालिदा आंखें खोले जल्दी। वालिदा काफी ताकत है तुम्हारे बाजुओं में बौरान, जंग में बहादुरी देखी। अल्लाह ने हमें सच की लड़ाई के लिए चुना है तो बहादुर क्यों ना हो। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। चाहते क्या हो तुम बताओ। मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। झूठ झूठ है ये। तुम एक सांप और सांप की मदद करते हो और मुझे सांप नहीं पसंद। जूलिया खवातीन पे हमला करेगी, हमें उसे रोकना होगा। चलो बताओ मुझे, मुझे किस किस्म की घात में फंसाने वाले हो। तुम्हारी माजी की गलती को नहीं भूला मैं, आखिर क्यों करूंगा मैं तुम पर यकीन। बौरान मुझे अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ और मैं वहीं रुक गया, अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ। क्या तुम हक के लिए लड़ोगे? मैं हक के साथ हूं।
हक की राह पर उस्मान साहब के साथ। चलो। बोरान, अब ये बात हमारे दरमियान है, ये एक राज है। जब भी हम जैसे किसी को घेर लिया जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे। तुम ये कभी भी राज रखना एक जिम्मेदारी होती है। मैं जानता हूं कि मुझे इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। फिक्र ना करो। चलो जल्दी से कबीले की तरफ चलते हैं। गुंदूस साहब ने जिरगा बुलाया है। चलो। चलो। जवाहिर ने कहा है कुछ दूसरी सुरंगें हैं जो बाहर ले जाएंगी, हम यहां इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है, चलो। मैं हरगिज नागुजीर बयान नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं। उस्मान यहां गद्दार बनकर आया था और उसी के मुताबिक सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। हम उसे पकड़कर पूछगछ करेंगे कि आखिर उसने किसके कहने पर यह सब किया। उस्मान जहां भी मिलेगा उसे बिना मुकदमा चलाए उसे मार दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ सारी कायनात के मालिक और दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अजीम अल्लाह के मुबारक नाम से। सरदारों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं काई कबीले का सरदार बनने का अहल हूं। देखिए, आपके जैसा सरदार ही काई का सरदार बनने के लिए मुनासिब रहेगा। आप सभी लोग अगर गुंदू साहब को सरदार बनाने के हक में हैं, तो वो अपना हाथ उठा लें। ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग गुंदूस साहब की जगह पर एक खाली नशिस्त को तरजीह देते हैं, यानी कि आप सभी लोग गुंदूस साहब के हक में नहीं हैं। अच्छा है, फिर आपको गुंदूस साहब की फतह से हिस्सा नहीं मिलेगा और आप लोग एक फाते सरदार से महरूम रहेंगे। क्या ये गुंदू साहब अपनी आजीजी की वजह से जो आप ना कह सके, आज मौका है, अभी कह दीजिए। काफरों की विरासत अरमान काया खिलाफ से कायों की मलकियत होगा। गुंदू साहब जैसा सरदार तो हमें मिल ही नहीं सकता। इस तरह तो जंग चल रही है। अल्लाह हर कदम पर हमारे गुंदू साहब को कामयाब करेगा। वजीर आलम शाह का हमारा साथ देने से
ये काइयों की मलकियत बन जाएगा। बिल्कुल गलत। फरमान काया आपकी जायदाद है गुंदू साहब। अगर आप सरदार बन गए तो ये काइयों की भी जायदाद बन जाएगा। फिर सरदारों को भी उनका हिस्सा दिया जाएगा, उससे वो हरमान काया में तिजारत कर सकेंगे, इस जमीनों पे अपने जानवरों को चरा सकेंगे और बहुत से मवाकों से फायदा उठा सकेंगे और कबीलों में खुशहाल होंगे। मैं आपको एक मौका और देता हूं तो कहिए वो कौन है जो गुंदू साहब के हक में हाथ उठाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये वही जगह है जिसे वो जाल कहते हैं। ये कमजर्फ हम पर चाले चलाते रहते हैं। पहले वो सुल्तान मसूद और फिर मुझे कत्ल करना चाहते हैं। सुल्तान पर जो वार किया गया मेरे खंजर से किया गया। वो आपको यहां आने से रोक नहीं सके तो यकीनन सुल्तान की मौत का जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं हूं जवाहिर। अंदर आ जाओ भाई, अब आप हमारी मदद करेंगे। हम इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं। हमें इस महल से बाहर निकालें। मैं जानता हूं भाई, जानता हूं कि आप किस मुसीबत में हैं। जवाहिर, मुझे इस्तेमाल करके सुल्तान को मारने की कोशिश की। मैं गद्दारों और कातिलों की मदद करने चला था। तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना भाई समझता था तुर्गुत, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? उस्मान साहब, आपकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा। बस जानते ही क्या हो तुम जवाहिर। हाँ, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी साख को नुकसान पहुंचा है? आंखों में देखो जरा मेरी, क्या मैं गद्दार हूं? सुल्तान मसूद के अपने ही सिपाही ने पहले सुल्तान को मारने की कोशिश की और उसके बाद मुझे। वो गद्दार तो मर चुका मेरे हाथों, लेकिन सुल्तान की हिफाजत नहीं कर सका मैं। वो गेहातू और वजीर आलम शाह जिम्मेदार हैं इसके। जो तुम जानते हो ऐसा नहीं है जवाहिर। ये गद्दार काई कबीले और उस्मान साहब की साख को बर्बाद करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अपने भाई की बात पर यकीन करो। यह भी तो हो सकता है कि आप भी इस खेल का हिस्सा हो। क्या अभी भी यह सब खेल लग रहा है तुम्हें? बताओ जरा, छोड़ दो उन्हें,
आप कुछ कर क्यों नहीं रहे कुमराल अब्दाल? मुझे बताएं कि ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, लेकिन इनका जख्म गहरा है, बहुत गहरा। कुमराल अब्दाल, एक दवा तैयार की है, मेरा रब इन्हें शिफा दे। अल्लाह तुमसे राजी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वजह से हुआ, अम्मा मेरी हिफाजत कर रही थी। ऐसा ना कहो बाला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और सलजान खातून काफी मजबूत है, ये ठीक हो जाएंगी। सही कहा तुमने, ये पूरे कबीले की माँ है और बहुत मजबूत। या अल्लाह हमारी अम्मा को जिंदगी अता कर। शुक्र है अल्लाह का। सलजान अम्मा, 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 हम सब ठीक हैं अम्मा, आपकी वजह से आप भी ठीक हो जाएंगी। मेरे रब का बहुत शुक्र है। गद्दारों की हुक्मरानी में है कोनिया, लेकिन तुम्हारे जैसे सिपाही का अपनी बुनियाद से जुड़े रहना खुशायंद है। हम लोग यहां से निकलना चाहते हैं। उस्मान साहब, मैं आपको बतौर ताजिर बाहर नहीं निकलवा सकता, हर जगह पहरा है। यह सही कह रहा है, जंगजुओं में घुसे बगैर यहां से निकलना मुश्किल है। हर मुश्किल से निकलने का रास्ता होता है। वो उन कुत्तों की लाशें यहां तो नहीं रखेंगे जिनको जहन्नम वासिल किया है हमने। तो बहादुरों ने हमारी मदद की थी, हमें काफिरों से बचने में मदद मिली, अल्लाह उनसे राजी हो। ये बताओ वो कौन थे? उनके चेहरे ढके हुए थे, ये नहीं जानते कि वो कौन थे और कहां से थे। मेरा रब जानता है, हम नहीं जानते, मगर हमारे दिल उनके साथ हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मुनाफिकीन जो हमें कत्ल करने का इरादा रखते हैं और जो किसी मजलूम का खून बहाते हैं, वो सिर्फ कयामत तक हमसे भाग सकते हैं। वो तलवार जो मेरी बेटियों के गले पर रखी गई, वो निकोला की थी। उसे चलवाने वाला वजीर था, वजीर आलम शाह। वो शख्स है जिसने हकीकी रास्ता छोड़ दिया, हिदायत को गुमराही के लिए छोड़ दिया। मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक हैं, बहरे हैं, कुछ कहो भी तो सुनेंगे नहीं, अंधे हैं वो, कभी भी सीधे रास्ते नहीं लौटेंगे।